नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें आज हम बात करेंगे 25 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में आप सभी का कैसा रहेगा राशिफल। दोस्तों, ये राशिफल होगा चंद्र राशि पर और बहुत ही सामान्य आधार पर होगा। आपके कुंडली पर क्या विशेषता असर होगा वो आपकी कुंडली की एनालिसिस करके, यानी कि विवेचन करके ही पता लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत हम लोग कर लेते हैं कि ये जो वीडियो है आपको क्या मार्गदर्शन करने वाली है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेष राशि की बात अगर हम इस सप्ताह में करें तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, तथा आपके कैरियर में भी कुछ चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी यहाँ पर विकसित होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप आगे बढ़कर अपने कामों को कर पाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको जो है आप अच्छे से उठा पाएंगे। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी प्रगति के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, इस सप्ताह में आपको क्या करना है और इस सप्ताह में आपको किन चीज़ों से यहाँ पर बचना है। देखिए, आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है। आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा इस सप्ताह में रहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। साथ ही साथ प्राइवेट मोमेंट्स और प्यार के मामलों में आपको बहुत ही सजग होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये हुआ आप मेष राशि वालों का, आप इस बात का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों का, कैसा रहने वाला है आने वाला जो सप्ताह है। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ होती हुई दिखाई देगी। कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शादी की बात यहाँ पर चल सकती है, और कहीं अगर आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बात यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द वीक में धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों में आप व्यस्त यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आर्थिक पक्ष की बात करूँ तो आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कहूँगा कि थोड़ा सा फिजूल खर्चे से आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता यहाँ रहेगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको इस वीक में क्या करना है और क्या नहीं करना। अननेसेसरी खर्चों से बचें, खर्चा वहीं पर करें जहाँ पर आपको नेसेसिटी है। अननेसेसरी खर्चों पर, खासतौर से कपड़ों पर खरीदारी पे पैसा ज़्यादा बर्बाद ना करें। अगर काम आपका चल सकता है तो कुछ दिन रुक जाइए। क्या करना है आपको? करना यह है कि अगर आप प्रेम के में हैं और अपनी बात का इजहार करना चाहते हैं तो आप इस सप्ताह में ट्राई उस चीज़ का कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग मिथुन राशि की। तो ये अगर मैं तुलना करूँ कुछ पुराने कुछ सप्ताहों से तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी अनुकूलता आपको लेकर आएगा। इसलिए इस सप्ताह का लाभ आपको उठाना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने काम पर फोकस आप रखें और कहीं ना कहीं किसी को राह चलते ऐसे किसी से पंगे ना लें जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। अब आपको क्या करना चाहिए इस सप्ताह में वो मैं आपको बता देता हूँ। अननेसेसरी विवादों से बचें, अननेसेसरी चीज़ों से अपने आप को दूर रखेंगे बेटर रहेगा। किसी के दूसरे के फटे में टांग बिल्कुल भी ना अड़ाएं और अपने काम से काम रखें। यही आपको करना है कि अपने काम पे फोकस रखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस सप्ताह में देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ आपको इस सप्ताह में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे हम लोग कर्क राशि की कि कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मध्यम रहने वाला है ये सप्ताह आपके लिए। खास तौर से आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो वाणी के उग्रता के कारण कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी इस सप्ताह में रखना होगा। कार्यालय की बात करूं तो अपने काम को खुद निपटाएं, किसी के ऊपर ज़्यादा रिलाय होने की ज़रूरत आपको नहीं है। नहीं तो आप का काम पेंडिंग में पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में सुननी पड़ सकती है। वहीं व्यवसायियों की एक्सपेक्टेशन इस सप्ताह में उतनी पूरी नहीं होंगी, तो कुल मिलाकर जो सप्ताह रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा मध्यम स्थिति का ही रहता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको करना यही है कि एक तो अनावश्यक विवादों से आपको बचना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको खुद निभाना है। कुल मिलाकर जो सप्ताह है दोस्तों वो थोड़ा सा यहाँ पर मध्यम फल ही यहाँ पर दिखा रहा है। बात करेंगे हम लोग सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है सप्ताह। कुछ अनुकूल समाचार प्राप्त आपको हो सकते हैं। सप्ताह का ओवरऑल अगर मैं देखूं तो काफ़ी अच्छे
दिनों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई दे रही है। जो प्रगति आपकी रुक गई थी वो प्रगति आपकी होती हुई दिखाई देगी। वहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता हुआ आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जो पुराने निवेश आपने किए हैं वो आपको फ़ायदे देंगे। वहीं अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी सेविंग्स अच्छी हैं और सेविंग्स आपको काफ़ी अच्छा दे रही हैं तो उन्हें फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। कोई बड़ी चीज़ खरीदने के बारे में अभी प्लान ना करें क्योंकि तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े। वहीं आपको फोकस अपना नहीं खोने देना है। अगर भाग्य का पूरा साथ आपको मिल रहा है तो आपको चाहिए कि और फोकस करें और अपनी पढ़ाई को पूरे तरीके से करें। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर है। वहीं आपके लिए कन्या राशि की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सप्ताह अनुकूल फल प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर से जो नौकरी लोग करते हैं उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें अपने कुलीग्स के साथ काफ़ी सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा और जिससे वह अपने किए हुए एम्स को टारगेट कर पाएंगे। और ख़ास तौर से जो लोग हमारे भाई सेल्स में काम करते हैं उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुदृढ़ रिज़ल्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आपको करना क्या नहीं है इस सप्ताह में, अगर आपके उच्च अधिकारियों से पिछले दिनों कुछ अनबन बन रही थी और आपको अगर इस सप्ताह में क्लोजनेस करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है तो इस क्लोजनेस को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें, जिससे कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई थी या आपके बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप दोस्तों हो गया था वो कम्युनिकेशन गैप आपका भर जाएगा। वहीं जो साथ में आपके लोग काम कर रहे हैं उसके साथ आप तालमेल बना के करिए और अपने पुराने दोषों को बुलाकर काम पर बढ़िए। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए बेटर है। तुला राशि की बात कर लेते हैं तो आपके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जो लोग नए कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनका फोकस काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हुई यहाँ दिखाई देंगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के चांस के अवसर यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम की प्रशंसा होती हुई दिखाई दे रही है और व्यवसायियों के लिए भी जो लोग हमारे व्यापार करते हैं व्यापारी भाई हैं उनके लिए भी समय अब बेहतर हो चला है और कुछ अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर उन्हें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना यही है कि एक तो अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो उन प्रॉफिट्स को आप किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से चलाएं इसके बारे में आपको फोकस करना है दोस्तों। साथ ही साथ आपको ये चाहिए कि अगर कोई कोलीग आपका ऐसा है जो काफ़ी काम कर सकता है अच्छा कर सकता है तो उसको ट्रेंड भी आप कर सकते हैं। और कुल मिलाकर लव रोमांस के मामले में थोड़ा सा ईगो वाला जो फैक्टर होता है उसको आप हटा के करेंगे तो काम आपका अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बिच्छू वाली राशि जो कि हमारी वृश्चिक राशि है। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा मध्यमकारी रह सकता है और सरकारी महकमों में अगर आपके काम अभी लटके हुए हैं तो हो सकता है कि कुछ दिन अभी आपको और लटके देखने को मिले। कहीं ना कहीं जो लक्ष्य आप सेट करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट जो है वो मध्यम देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मध्यम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आय में स्रोत तो बनेंगे लेकिन खर्चे भी बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो स्थिति जो रहेगी वो 50-50 की स्थिति रहेगी आय के मामले में और नौकरी के मामले में। अब आपको करना यही है कि अपने अननेसेसरी खर्चों पर लगाम लगाएं। जो लग्जरियस थिंग्स ख़रीदने के चक्कर में आप रहते हैं और कुछ खर्चा इस तरह से करते हैं या खाने पीने पे अननेसेसरी जो खर्चा आप करते हैं उसको चाहिए कि आप उस पर रोक की रोकथाम करें जिससे आने वाला दिन जो रहें आपके उसमें आपका खर्चा ना बढ़े। वहीं अपने वाणी को संयम रखिएगा और फोकस को बढ़ाए रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग धनुराशि की। ये सप्ताह आपके लिए एवरेज ही कहा जा सकता है, कुछ ना अच्छा है ना बुरा है, एवरेज ही रहेगा। अगर आप कुछ नया काम प्लान करने की सोच रहे थे तो अभी मैं कहूँगा कि थोड़े दिन रुक जाइए जिससे आने वाला जो समय जब अच्छा समय आएगा तो आपको बहुत अच्छा है हो सकता है उधर। साथ ही साथ अगर आप नया काम करने के बारे में सोच भी रहे थे तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा और एक्सपर्ट की राय ले लें और रिसर्च कर लें जिससे सामान्य रूप से वो जब आप काम स्टार्ट करें तो आपका काम बहुत अच्छा सा हो जाए। और वहीं अगर मैं जीवन साथी के साथ अगर आपकी कोई अनबन यहाँ पर चल रही थी तो आपको चाहिए कि आप उसके उस तरफ भी आप सोचना शुरू करें जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपका कम हो और आप अच्छे से कर पाएँ।
अब आपको क्या करना है, आपको एक तो कैरियर पे फोकस इस सप्ताह में काफ़ी अच्छे से करना है, जिससे आगे चलकर जो स्थिति आपकी बने वो आपकी और आपके हक़ में बने। साथ ही साथ आपको अगर कोई रिश्ते नाते में तनाव आ गया था तो चाहिए कि आप उसको सुलझाने का प्रयास अपनी तरफ से करें और कोशिश ये करें कि रिश्ते जो हैं वो संभलें और सुधरें। बात कर लेते हैं मकर राशि के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके पक्ष में यहाँ दिखाई दे रही है, भाग्य साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और शुभ फलों की प्राप्तियाँ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। खास तौर से जो लोग हमारे नौकरी करते हैं उन्हें अच्छे संभव रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। सेल्स में उनके टारगेट्स जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं दैनिक कार्य भी वो अच्छे से कर पाएंगे। कोशिश यही करिएगा कि सप्ताह में अपने पेंडिंग काम्स को निपटा लें। अब आपको यही करना है कि अपने काम से फोकस आपको हटने नहीं देना है, आपको किसी भी तरह के आलस्य में इस सप्ताह में नहीं आना है। कहीं ना कहीं अगर अगर आलस्य में आएंगे तो अपने ही काम को आप डिले करेंगे। और आपको क्या नहीं करना है, आपको जैसे मैंने बोला ही आपको कि आलस्य में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है और फिजूल खर्ची से आपको इस सप्ताह में बचना होगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। पिछले सप्ताहों में जो आपने स्ट्रेस झेला या देखा वो समय कुछ हद तक आपके लिए बहुत बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके पेंडिंग काम में प्रगति आएगी और शुभ समाचारों की प्राप्ति भी संभव है। वहीं संतान की जो उपलब्धियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको मन प्रसन्न करने वाली होंगी और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से प्रसन्नतापूर्वक काम यहाँ पर करते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सप्ताह आपके लिए है वो आपके अच्छा ही है। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी संतान आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे रही है तो आपको चाहिए कि आप उसे और मोटिवेट करें जिससे वो अपना कर पाए और उसे कुछ उपहार या गिफ्ट देके भी आप काम चला सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चीज़ों को ना थोपें किसी के ऊपर, एक्सपेक्टेशन रखें लेकिन कुछ ज़्यादा थोपें ना, जिससे जो है चीज़ें जो हैं तनाव की स्थिति वहाँ पैदा होगी। इसलिए इन चीज़ों से बच के रहें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को किसी के ऊपर ना थोपें इस सप्ताह में तो बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट राशि जो कि हमारी मीन राशि है, कि मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है। थोड़ा सा मध्यम रहेगा, थोड़े से जो प्राप्ति होंगी इस सप्ताह में वो थोड़ी सी उतनी एक्सपेक्टेड नहीं होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा मन यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर रह सकता है। और नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए आपके लिए मध्यम ही ये सप्ताह बना रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना है और ये मान के चलना है कि समय अभी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप अपने कर्म बेस चलते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं समय आपके साथ आएगा और आने वाले दिनों में जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपके लिए राहतकारी रहेगा। ख़ास तौर से जो फर्स्ट वीक आपका जुलाई का रहता हुआ दिखाई दे रहा है और थर्ड वीक जो दिखाई दे रहा है वो आपका काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी कुछ समय थोड़ा सा आपके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन ख़राब नहीं कहा से कहा जा सकता। आपको चाहिए और किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन आपको इस सप्ताह में नहीं करनी है। खास तौर से किसी भी कुलीग पे या घर के मेंबर्स पे आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो नहीं उतारनी है। तो दोस्तों ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन, अगर आप उसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर्स मेरे आ ही रहे हैं 9411848508 9999623825 पर आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल एनालिसिस आर पेड, उसकी निश्चित फीस दोस्तों आपको देनी होगी। साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं bhatnagar@gmail.com। आज के लिए सिर्फ इतना ही, साप्ताहिक राशिफल आपको देना मेरा कर्तव्य होता है, साथ ही साथ डेली का राशिफल तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को बिना दबाए मत जाइएगा और इस वीडियो को लाइक या कमेंट करके जरूर जाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।